को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने ऑपरेशन मदरगांव में अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त किया। पिछले दो महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ मिलकर एचएम का इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी जो कि शोपिया और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था। हमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। इसके पश्चात तुरंत भारतीय सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल, 1 पैरा एसएफ, 7 पैरा एसएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 118 सीआरपीएफ बटालियन की टुकड़ियों ने एक साथ मदरगांव में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन के दौरान हमारे ट्रूप्स ने बड़ी तेजी और होशियारी से सरप्राइज हासिल करते हुए जो टारगेट हाउस था उसको घेरे में ले लिया और इसके बाद टेररिस्ट के पास भागने का कोई गुंजाइश नहीं बची। इसके बाद जितने भी सिविलियंस उस इलाके में थे उनको सेफ्टी से इवैक्यूएट किया गया और सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया और तकरीबन 1300 आस पे जब हमारे जवान इस मकान में तलाशी ले रहे थे तो मकान के अंदर बने एक हाइड आउट के अंदर से टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का जवाब दिया गया और टेररिस्ट को वहीं पिन डाउन कर दिया गया और उनको किसी भी तरीके से भाग निकलने की कोई चांस नहीं मिला। इसके बाद ये ऑपरेशन 24 घंटे से ऊपर चला और इसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टेररिस्ट को मार गिराया जिसमें आदिल हुसैन वानी जो कि एक टॉप एचएम के कमांडर है वो थे और ये काफी समय से सक्रिय थे जैसा आपको डीआईजी साहब ने बताया। इन्होंने कई सारी आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिया हुआ था। ये ऑपरेशन जो इन दोनों टेररिस्ट से और जो हाइड में हमें भारी मात्रा में सामान मिला, असला बारूद, ये एक हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी सिनर्जी का एक प्रतीक है और कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए भारतीय सेना का प्रतिबंध होने को भी दर्शाता है। मैं आश्वासन देता हूं कि भारतीय सेना अपने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ में, आवाम के साथ में मिलके आगे भी इसी तरीके से टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए काम करती रहेगी और इसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।